जिलाधिकारी रविंद्र ठाकुर ने कहा कि जिले में कोविड-19 का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। करीब 70% मृत्यु बुखार खांसी जैसे लक्षण छिपाने की वजह से हो रही है। उन्होंने डॉक्टर को निर्देश दिया कि अगर किसी भी मरीज का ऑक्सीजन लेवल 95% से कम होता है तो उसे तत्काल सरकारी अथवा निजी कोविड अस्पताल में भेजा जाए। नागपुर शहर में सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू खड़ा सुगंधित सुपारी पान खाकर थूकने वालों के खिलाफ पहले से ही ₹1,000 जुर्माना मनपा लगा रही। अब संबंधित उत्पादकों की बिक्री, उत्पादन, भंडारण व वितरण करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी। संबंधित पर ₹5,000 का जुर्माना लगेगा। संबंधित आदेश मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जारी किए। पहले मनपा प्रशासन को कार्रवाई के अधिकार नहीं थे। प्रशासन द्वारा इस साल गणेश मंडलों के 4 फुट ऊंची मूर्ति की स्थापना करने के बाबत जारी किए गए नियमों से मूर्तिकारों को काफी नुकसान हो रहा है, उनका कारोबार कम हो गया है। नागपुर जिले में लगभग 500 मूर्तिकार विविध त्योहारों में एकत्रित रूप से मई से अक्टूबर तक 50 करोड़ रुपए का कारोबार करते हैं, लेकिन इस साल केवल 20 करोड़ रुपए का कारोबार होने की संभावना है। इसे उन्हें 30 करोड़ रुपए का नुकसान होने की बात नामी मूर्तिकारों ने बताई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सांसद प्रफुल्ल पटेल ने रविवार को कहा कि जो ये कह रहे हैं कि राज्य की सरकार गिर जाएगी, वे केवल अनजान ज्योतिषी यानी एस्ट्रोलॉजर है जिन्हें यह नहीं पता था कि कोविड आने वाला है। ऐसे लोग सरकार की कुंडली न बनाए, इस सरकार को किसी प्रकार का खतरा नहीं है। नागपुर में पिछले 2 दिनों में 1,245 नए पॉजिटिव मिले, जबकि 39 मरीजों ने कोविड से दम तोड़ दिया। संक्रमितों में शहर के 1,061 और ग्रामीण के 184 पॉजिटिव है। इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या 13,990 हो चुके, जबकि मृतकों की संख्या 488 हो चुकी है। 2 दिनों में जिलों में 900 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। अब तक 6,539 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। शनिवार को 661 तथा रविवार को 239 मरीज स्वस्थ हुए। कुल संक्रमितों में 3,818 ग्रामीण तथा शहर के 10,172 है, तो जिले के बाहर के मरीज 243 है। पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने कहा कि वर्तमान में कोविड-19 से पूरी दुनिया जूझ रही है। नागरिकों का स्वास्थ्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कोविड की रोकथाम के लिए नागपुर पैटर्न विकसित कर सफलतापूर्वक क्रियान्वित करेंगे। बात 16 साल पुरानी है। अवसर 49वीं अखिल भारतीय अंतर रेलवे क्रिकेट स्पर्धा का था, जिसमें दक्षिण पूर्व मध्य रेल की नुमाइंदगी करने वाले लंबे लंबे जुल्फों वाले एक अनजान युवा अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से शहर के मीडिया में चर्चा का विषय बन चुका था। जानते हैं वह अजनबी कौन था? बिल्कुल सही पहचाना, महेंद्र सिंह धोनी। विदर्भ के कोविड रोगियों को जल्द उपचार मुहैया कराने के मकसद से शहर के मानकापुर स्टेडियम में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस जंबो हॉस्पिटल बनाया जाएगा। इसमें 1,000 बेड की सुविधा होगी। रविवार को पालक मंत्री नितिन राउत ने इस संबंध में जानकारी दी। मोहन नगर भारत टॉकी चौक पर रविवार सुबह कांग्रेस के पूर्व पार्षद देवा उसरे की 2 आरोपियों ने जमीन विवाद को लेकर कल्लाड़ी और अन्य धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी है। सुबह 8:30 हुई इस वारदात से क्षेत्र के लोगों में रोष व्याप्त है। रामटेक उपविभागीय अंतर्गत जिले का सबसे बड़ा तोतलाडो जलाशय शनिवार 15 अगस्त को ओवरफ्लो हो गया। इसके चलते कुल 14 में से 4 गेट खोले गए, लेकिन पानी की आवक अधिक होने से रविवार की सुबह 11 बजे इसके और 6 गेट खोल दिए गए। 10 गेट से 316 क्यूबिक मीटर तथा बिजली उत्पादन यूनिट से 101 क्यूबिक मीटर पानी की निकासी की जा रही है।